हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं इस फोटो के बारे में। इस फोटो के बारे में क्या, इस फोटो में जो आपको वॉल वॉल दिख रहा है, तो आखिर ये इतने सारे वॉल वॉल क्यों लगाए गए हैं, क्या रीजन होता है इसका? अच्छा, काफी लोगों को ये पता भी हो गया होगा भाई, इसका रीजन ये है सिंपल से कि जितने बाथरूम आपके घर पे होंगे या फिर जितने फ्लोर होंगे आपके, उस फ्लोर की एक सप्लाई होगी। उस मान लिया किसी फ्लोर की सप्लाई बंद करनी है तो ऊपर से आपने बंद कर दिया, और या फिर किसी बाथरूम की सप्लाई बंद करनी तो ऊपर से आके आपने बंद कर दिया। लेकिन इसके लिए आपको क्या है कि आप मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं और ये चीज फिटिंग आपके सबसे टॉप फ्लोर पर लगी है जहां पे टंकी होती है। अब मान लीजिए आपका घर ग्राउंड प्लस दो फ्लोर का है। इनकेस थोड़ी देर आप मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ ये चीज। देखिए, इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, ये जो वॉल वॉल है ये ऊपर लगाना सही है या फिर कहीं और लगाना सही है, और इसके लगाने का पर्पस क्या होता है। सबसे पहली बात तो यही, तो सबसे पहले आते हैं इसका पर्पस क्या है। सपोज दैट थोड़ी देर के लिए आप माने, थोड़ा सा वैसा टॉपिक है लेकिन अगर आप काम कराते हैं आपके लिए, मतलब नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा अगर आप ये वीडियो देखते हैं। देखिए, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका घर तीन फ्लोर का है, तो तीन फ्लोर का है मतलब ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकेंड फ्लोर है। ये ग्राउंड फ्लोर में आप रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है। फर्स्ट फ्लोर क्या है, आपने रेंट आउट दिया हुआ है, सेकेंड भी रेंट पे दिया हुआ है आपने, मतलब कि ऊपर ही फैमिली रहती है। हर फ्लोर पे दो दो बाथरूम बने हुए हैं। आपके जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, उसके किसी दो बाथरूम में से किसी एक बाथरूम में क्या हुआ कि वहां पे वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही उस बाथरूम के अंदर ही। ना शावर में पानी आ रहा, ना टैप में पानी आ रहा, ना वॉश बेसिन में पानी आ रहा। आपको लग गया कि हाँ, इस बाथरूम के जो पाइप की वायरिंग है उसके अंदर कुछ ना कुछ कचरा जाम हो गया है, फिर कुछ और दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पे पानी की सप्लाई रुक गई है। तो इस केस में क्या होता है, जो नॉर्मली मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ जो वैसे कम बजट में अपना घर बनाते हैं, मैं मोस्टली उनकी बात करता हूँ, वो लोग क्या करते हैं कि अपनी टंकी का पूरा पानी निकाल देते हैं। प्लम्बर आता है, कहता भैया अपनी टंकी खाली करो, तो वो भी टंकी खाली करने में लोग जुट जाते हैं। टंकी खाली हो गई, कहेंगे हाँ भैया टंकी खाली हो गई, अब आप अपना काम शुरू करो। काम क्या शुरू करता है, वो टैप खोलता है, सब बाथरूम की पूरी फिटिंग खोल डालेगा, तब उसमें देखेगा भाई कहीं से क्या कचरा जाम है, क्या है, उसको सही करेगा, फिर फिटिंग लगाएगा, फिर कहेगा भैया आप टंकी अपनी फुल कर दो। टंकी फुल कर देगा, फिर आप टेस्टिंग कर लोगे, हाँ सब कुछ ओके है। ये करना पड़ता है ना, सही बताना, ये चीज ये करना पड़ता है आप लोगों के घर पे। लेकिन अगर ज्यादा लोग हैं आपके यहाँ भाई, जो छोटे घर में या फिर ग्राउंड फ्लोर खाली बना दो तो उसमें चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपने 500 लीटर या 1000 लीटर टंकी खाली भी कर दी, भाई वाटर वेस्ट हुआ लेकिन खाली कर दी, चलो आपका खुद का काम है, खुद की फैमिली है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए दो फ्लोर आपने ऊपर रेंट भी दिए हुए हैं, अलग अलग फैमिली रह रही है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे, और हर फ्लोर पे दो दो बाथरूम बने हुए हैं, और आपका ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में किसी एक बाथरूम में दिक्कत आई, तो इस केस में ये क्या करना जरूरी है कि आप पूरी टंकी खाली करें सिर्फ एक बाथरूम के चक्कर में। खराब चीज होगी ना, खराब बात है ये, खराब आदत है ये, तो ये नहीं करना चाहिए। तो इस केस में क्या करते हैं लोग कि अपना वॉल वॉल यहाँ पे ऐसे छत पे क्या है अपने आए, और पता होगा कि हाँ ये देखो, इसमें तीन चीजें होती हैं, हर एक बाथरूम का अलग होगा वॉल वॉल, या फिर हर एक फ्लोर का अलग होगा। मान लिया आपको पता है कि हाँ मेरे जो ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम का है, नंबर एक का बाथरूम का ये वॉल वॉल है, इसको उन्हें बंद कर दिया, तो क्या हुआ उस बाथरूम की पानी की सप्लाई वहां पर रुक गई, ठीक है, और सबके यहाँ पानी कंटिन्यू आएगा क्योंकि आपने खाली अपने बाथरूम की सप्लाई यहां से आके बंद कर दी, ऑफ कर दी, तो पानी जो पाइप के अंदर भरा हुआ खाली उतना पाइप पानी निकलेगा, और प्लम्बर आपके यहाँ बाथरूम में सब कुछ सही करके चेक करके जाएगा, तब आप इसको ऑन कर देंगे, फिर आपके यहाँ सप्लाई पानी की आ जाएगी। बहुत सिंपल सा काम है, लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि नीचे से ऊपर आना है, ऊपर से फिर नीचे आना है, मतलब दो बार आप अप डाउन करेंगे, बार बार चेक करने के लिए पानी बंद करना है, फिर पानी ऑन करना है, फिर पानी बंद करना है, फिर पानी ऑन करना है, इस तरह चीज़ें होती हैं। तो मान लिया आपके घर में कुछ एजेड लोग हैं तो उनको भी दिक्कत होती है अप डाउन करने में, मान लो लड़के बच्चे नहीं है कोई, सब लोग कहीं गए हैं, अब कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं और जी आपके यहाँ लिफ्ट नहीं है, स्टेयर कैसे, अब ग्राउंड प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे कहीं टंकी रखी हुई ममटी में ऊपर, तो वहाँ अप डाउन करना भी काफ़ी लोगों को दिक्कत करता है, खासकर बूढ़े लोगों को। तो ये चीज़ आप ऊपर ना करके, आप जहाँ पे ये आपका एक बाथरूम बनना है, हर बाथरूम ग्राउंड फ्लोर माने दो बाथरूम है, तो एक बाथरूम मान लीजिए, ये देखो दीवार जो आपको दिख रही है ऐसे यहाँ पे, इसके बगल में जस्ट बाजू में
क्या है, बाथरूम। अब इस बाथरूम के जो दीवार है, इसी दीवार में ही आप वॉल वॉल लगा लें या फिर कंसील्ड भी लगा सकते हैं। कंसील्ड क्या चाहिए होती है, जैसे आप ये डब्ल्यू से देख रहे हैं, डब्ल्यू से बगल में देखिए, ये एक छोटी सी ऑन ऑफ करने की चीज़ लगी हुई है, इसको कंसील्ड बोलते हैं। तो इससे क्या, मतलब सीट में भी कभी आपको ये जो पानी रोकना हो तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, तो इस तरह चीज़ लगा सकते हैं। लेकिन कंसील्ड में क्या है, कंसील्ड क्या, बच्चे थोड़ा खुराफाती होते हैं, थोड़ा सा उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और वॉल वॉल्व जो होती है थोड़ा सा टाइट होता है, जल्दी उसको कोई मोड़ नहीं पाता है, थोड़ा सा घुमाने में थोड़ा टाइट पड़ता है। और थोड़ा ऊंचाई पे लगाए जब भी वॉल वॉल्व लगाए, तो आप बाथरूम, हर एक बाथरूम के बाहर आप सेपरेट उस बाथरूम का एक वॉल वॉल्व लगा दें। जो भी टंकी से पानी की सप्लाई आएगी वो पहले वॉल वॉल्व से कनेक्ट होकर तब बाथरूम के अंदर जाएगी। इससे क्या होगा, जब भी उस बाथरूम में कोई दिक्कत आती है तो आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आप उसी बाथरूम के बाहर की दीवार, किसी भी दीवार पे जहां पे आपने वॉल वॉल्व लगाया होगा, वो वॉल वॉल्व ऑन ऑफ कर लो और अपना काम फिनिश करके फिर से ऑन कर दो। वाटर सप्लाई जो भी होगी वो आपके बाथरूम में आ जाएगी, आपको इतनी ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस दोस्तों, इसका रीजन ये था, एक तो बार बार अप डाउन करना वो खराब होता है, खासकर बूढ़े लोगों के लिए, क्योंकि भाई अगर ज्यादा फ्लोर है, ज्यादा बाथरूम है, सिंपल बात, आपने ममटी के ऊपर टंकी रखी होगी, ममटी में जाए और कोई बूढ़ा आदमी आपके घर पे है जो चलने फिरने में दिक्कत होता है उसको, तो उसको दिक्कत होती है। तो इससे सबसे अच्छी चीज़ है, जिस बाथरूम, जिस जगह पे आप रह रहे हैं और जो भी बाथरूम आपके यहाँ हर फ्लोर बने हुए हैं, उसी बाथरूम के बाहर या फिर कहीं भी जगह मिलती है वहां पे आप कंसील्ड या वॉल वॉल्व दे दें, जिससे कि उस बाथरूम की सप्लाई आप ऑन ऑफ अपने आप से कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी वीडियो थी, लेकिन थोड़ी सी ऐसी टॉपिक कुछ होते हैं जो आपको बताना भी जरूरी होता है, बहुत वैसी चीजें होती हैं कि शायद इस सब चीजों को बताता नहीं है मुझे लगता है, और शायद बोरिंग वाली वीडियो लगती होंगी आपको, लेकिन मुझे लगता है ऐसे टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट अगर आप देखा है, देखें डिटेल में, तो क्योंकि जब फ्यूचर में दिक्कत होती है भाई सबके, आप मान लिया आपने घर तो बना लिया, आप कहीं जॉब करने चले गए बाहर या फिर किसी काम से बाहर चले गए, आपके पेरेंट्स घर पे हैं, पेरेंट्स बेचारे बूढ़े हैं, कुछ दिक्कत हो गई, प्लम्बर बुलाया तो प्लम्बर उन्हीं से कहेगा भाई जाओ ऊपर, प्लम्बर बेचारा अकेले आया हुआ, अब वो फिटिंग खोले कि ऊपर आपकी टंकी ऑन ऑफ करने जाए तो वो भी नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकल देखा जाए तो प्रैक्टिकल में इस चीज़ें काफ़ी दिक्कतें करती हैं। तो यही जो चीज़ आप ऊपर लगाते हैं वो आप नीचे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ कि ऊपर ना लगाओ, ऊपर भी लगाओ आप, अगर आपके यहाँ सहूलियत है अप डाउन ऊपर जाने की नीचे जाने की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे भी लगाएंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे सबको आराम लगेगी भाई। इसमें क्या है, मान लिया आपने, अब इसमें हाँ एक चीज़ और थी जो मैं भूल रहा था, अब इसमें क्या है, आपको तो ध्यान रहेगा नहीं भाई फला बाथरूम का कौन सा इसमें वॉल्व लगा हुआ है, अब आप हर बाथरूम को ऑन ऑफ करके देखोगे या फिर कोई चिट लगाओ इस पे कि हाँ फर्स्ट फ्लोर का ये है, सेकंड फ्लोर का बाथरूम ये है, थर्ड फ्लोर का बाथरूम ये है, ऐसे क्या उस बाथरूम की मान लो खराबी हो तो बाथरूम उसी बाथरूम की दीवार पर आए, वहीं पर लगा दिया आपने, उसको बंद कर दिया, खत्म कहानी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।